हे, वेलकम बैक टू रॉयल किचन। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पनीर का पराठा। इसके लिए आपके पास पनीर होनी चाहिए, मैगी मसाला एक, ये ऑप्शनल है, धनिया, कटे हुए मिर्चे, प्याज भी हमने काट लिए हैं, और ये नमक है स्वाद अनुसार, और ये भुना हुआ जीरा पाउडर है। तो सबसे पहले हम आटा सान लेते हैं, और आटे को कैसे सानना है ये हम बताते हैं आपको। और हम 2 कप आटा ले लेते हैं। और 1 कप मैदा। मैदा आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब इनको हम मिला लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसको नॉर्मल आटे की तरह हम गूंथ लेंगे। अब ये तैयार हो चुका है। इसमें हल्का सा ऑयल लगा के 10 मिनट के लिए इस आटे को हम लोग भून देंगे। हमारा आटा हो गया है और वो अभी 10 मिनट के लिए रेस्ट पे है। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं अपनी। तो इसमें हमने पनीर को कद्दूकस करके रख चुके हैं हम पहले ही से। इसमें हम हरी धनिया और मिर्च, मिर्च अगर आपको खाते हो तो डालिए वरना मत डालिए, हरी धनिया, जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई है वही सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें नमक आधा चम्मच ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आटे में मेरे नमक है, इसलिए इसमें नमक कम रहेगा। अब ये मसाला, मसाला डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। थैंक यू।
टेस्टी और स्वादिष्ट बनते हैं, एक बार आप ज़रूर बनाएं। थैंक यू।